तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के फनी घोस्ट प्रैंक वीडियो के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं विद बेस्ट 2D एनिमेटेड व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के साथ। मतलब तब से हमारा भाई इसको इंसान समझ रहा था, अब भाई को लगा है कि ये भूत है। तब देखो भाई की कैसी गांड फटती है। अब देखो इधर भाई की फटी पड़ी है फिर भी भूत को गरिया रहा, मतलब कि इंसान से बड़ा हरामखोर और कोई हो सकता है? बताओ किधर से आ रहे तू? किधर से आ रहे? किधर से आ रहे? तेल तेरी माँ के, मेरे को डराएगा तू? देखो भाई दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं कि जो तुम्हें बिना वजह के तुम्हारे पीछे पड़े। देखो अधिकतर भूतों का घर पेड़ होता, तुम पेड़ पास जाकर माल पियोगे या गांजा पियोगे या फिर जाकर हग दोगे तो उन्हें गुस्सा आएगा क्या नहीं, ये बताओ। और देखो भाई बहुत लोग को लगता है कि डायनासोर अभी जीवित नहीं है क्योंकि सारे मर चुके हैं। क्या पता है आपको उनका आत्मा का पुनर्जन्म भी हो चुका है जो कि इस लौंडे में है। और अब ये वीडियो देखो। भाई को तो डरा तो दिया पर भाई हमारे एथलीट थे तो भूत काका तुमसे ना हो पाएगा, पर कोई बात नहीं, भूत काका अभी भी हार नहीं मानेंगे। और इधर हमारे दद्दू की अभी हार्ट बीट बढ़ने वाली, पर एक सेकेंड, दद्दू का हैंड का पोजीशन मेरे को सही नहीं लग रहा है, दद्दू हमारे नॉटी हो रहे हैं। और मान लो कभी अपने रूममेट को आपको डराने का मन करे तो आप क्या करोगे, आप इस वीडियो में देखो। रूम में भैया कोई रूम में है? ओए पापा जी भैया कोई रूम में है? मेरे पास है भैया। भैया मेरी साइड में कोई है? भैया आई ओए मम्मा ओए पापा जी अब देखो इस चूतिए को देखो, भले ही भूत आके इसकी गांड मार के चला जाए पर ये भोसड़ी का कम्बल नहीं हटाएगा। और हमारे पापा जी हैरान है कि ये पति पत्नी तो पागल है ही है, मेरे दूसरे बेटे को भी पागल कर देंगे। नहीं नहीं ये क्या हो रहा, अगर हम लोग घर में रात को ऐसा कर दे तो क्या होगा? देखो भाई बहुत वीडियो देखने के बाद पता चला कि 90% वीडियो इन लोग का फेक रहता है, इन्हीं के कुछ लौंडे लोग टीम में वही लोग एक्टिंग करते भूत बनने की या फिर डरने की। देखो चाचा हमारे दौड़ के अंदर गए और ये देखो कोई सेंस है ऊपर चढ़ के चीखने का? मतलब हद पार चूतियापा हो रहा है, या फिर ये लोग ऑडियंस को चूतिया समझ रहे हैं या फिर ये लोग खुद चूतिया हैं। बहन जो सारे मिल के हमको पागल बना रहे मादरचोद के बच्चे, ये ले
अब इस वीडियो का देखो, मतलब कि गधे की आंट जैसी एक्टिंग करके क्या लोग नहीं समझ पाएंगे ये वीडियो स्क्रिप्टेड है या नहीं। और अंत में आरसीबी और मुंबई इंडियंस टीम के लिए मेरा यही सलाह है, मुझे लगता है कि इसमें कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि ये सब जिंदगी से हारे हुए लोग हैं, क्योंकि ये धरती के लिए बोझ है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई जीत पाएगा। जग सुना सुना लागे जग। और भाई लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलो। और तब तक मिलते किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इसी प्रकार व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के साथ।